state of Bihar is very well known for, the ET leading mentor in UPSC and BPSC preparations. And let's take a look at who our winner is. Congratulations to Chanakya IAS Academy. Please give Dr. Krishna Singh, the regional head Bihar and UP, a big round of applause as he comes on stage. Everyone, for Chanakya IAS, let's hear a huge round of applause. As you all know, the state of Bihar has many, many IPS and IAS officers to their credit. Times Group के द्वारा Best Union Public Service Commission या State Public Service Commission अर्थात BPSC के लिए बिहार में नंबर वन इंस्टीट्यूट के रूप में चयनित किया गया. टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप इसके पहले टाइम्स बिजनेस अवार्ड वगैरह नाम से इसको करती थी, इस बार पहली बार ET इंडस्ट्री लीडर अवार्ड के रूप में इन्होंने इसको किया है और उसमें भी हमारा सिलेक्शन हुआ. इसके लिए मैं टाइम्स ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ. नमस्कार, आप करियर फिल्मोलॉजी देख रहे हैं, मैं हूँ निर्भय. हम आ चुके हैं आज पटना के होटल लेमन ट्री में और यहाँ पे द टाइम्स ग्रुप की तरफ से ET इंडस्ट्री लीडर एजुकेशन इंडस्ट्री में UPSC BPSC के बेहतर प्रिपरेशन कराने वाले इंस्टीट्यूट है उनको यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा. सो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहे, देखें हमारे पूरा वीडियो. Interesting category which the state of Bihar is very well known for, the ET leading mentor in UPSC and BPSC preparations. And let's take a look at who our winner is. Congratulations to Chanakya IAS Academy. Please give Dr. Krishna Singh, the regional head Bihar and UP, a big round of applause as he comes on stage. Everyone, for Chanakya IAS, let's hear a huge round of applause. As you all know, the state of Bihar has many, many IPS and IAS officers to their credit, and Chanakya IAS Academy is one such institution. Dr. Krishna started his career as a teacher in Chanakya IAS Academy Delhi, and after a very short span, due to his tremendous leadership and management skills, he's been given the responsibility of all centers of Bihar and UP. Big congratulations, sir. And let's give Dr. Krishna Singh a huge, huge round of applause, everybody. जैसे सर बोल रहे हैं, उनके पास 5,000 प्लस सक्सेसफुल कैंडिडेट्स UPSC में हैं, तो दैट्स अ ह्यूज ह्यूज अचीवमेंट. लेट्स गिव सर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. कंग्रेचुलेशंस सर, एंड मे यू कंटिन्यू टू द ग्रेट वर्क फॉर द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ बिहार. धन्यवाद सर, कंग्रेचुलेशंस. कृष्णा सर है तो सर से हम जानते हैं, सर कैसा लग रहा है सर अभी आपको अवार्ड लेके? 10 सालों की मेहनत और एक तरीके से कहें कि 30 सालों का जो हमारा चाणक्य IAS अकेडमी का जर्नी है, सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर के द्वारा एस्टैब्लिश ये संस्था 1993 में, आज पूरे देश की सबसे बड़ी संस्था है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करा रही है, और हमारे 16 राज्यों में लगभग 25 सेंटर हैं. हमें बिहार में 2013 में इसको एस्टैब्लिश करने का मौका मिला, और तभी से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं बिहार के रिजल्ट को सुधारने की, और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं. हालांकि आप उसको कह सकते हैं कि सफलता तो लगातार टारगेट बढ़ते चला जाता है, और हम लोग भी अपना टारगेट बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा टारगेट था उसमें हमने काफ़ी हद तक काम किया है सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर के मार्गदर्शन, और बिहार का रिजल्ट धीरे धीरे करके काफ़ी सुधरा भी. 10 सालों में जो हमारे द्वारा काम किया गया उसी का ये परिणाम है कि पिछले 7 सालों से टाइम्स ग्रुप के द्वारा डिफरेंट नाम से जो अवार्ड, टाइम्स बिजनेस अवार्ड, टाइम्स ब्रांड आइकॉन अवार्ड, या फिर अभी ET अवार्ड जो इन्होंने इंडस्ट्री लीडर के रूप में दिया जो हम लोगों को आज, तो ये सारे जो अवार्ड्स हमें मिले पिछले 7 सालों से लगातार हमें मिलते जा रहे हैं, और ये चाणक्य IAS अकेडमी का एक सुनहरा पल है जो सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर के मार्गदर्शन में संभव हो सका है. हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम लोग लगातार आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, और सक्सेस गुरु का सपना है कि वो एक ऐसी स्थिति लाएं कि जब पूरे देश के प्रमुख शहरों में ऐसी स्थिति हो कि चाणक्य IAS अकेडमी दिल्ली के सुविधाओं के साथ इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हों, चाणक्य IAS अकेडमी के ब्रांच एस्टैब्लिश हों, और उसी पर हम लोग अगले 30 साल में काम करेंगे सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर के मार्गदर्शन. इस मौके पर आप एस्पिरेंट्स को क्या बताएंगे? एस्पिरेंट्स को यही बताना चाहेंगे कि ये परीक्षा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये परीक्षा एक आम परीक्षा की तरह है
जिसके अपने निर्धारित सिलेबस होते हैं, क्वेश्चन पैटर्न होते हैं और निर्धारित योग्यता की तलाश के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ली जाती है। आप उस योग्यता को हासिल करने की कोशिश करें और वो योग्यता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। तो जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के हिसाब से आप अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, एडमिनिस्ट्रेटिव कौशल डेवलप करने की कोशिश करें। चाणक्य IAS एकेडमी अपने विद्यार्थियों को वही कराती है जिससे इतना अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिलता है, क्योंकि उसी की तलाश के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया। ओके सर। सर, प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को डीमोटिवेट होते हैं, लाइक उनसे कुछ चीज़ें नहीं सॉल्व होती हैं, तो उनके लिए चाणक्य IAS एकेडमी क्या कुछ खास कर रहा है? देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर हम लगातार विद्यार्थियों के को फ्री कंटेंट्स दे रहे हैं। तो मैं आप सबों को कहूँगा, आप सबों के माध्यम से कहूँगा विद्यार्थियों को कि भाई हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ रेगुलर तैयारी कराई जा रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उनको उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। अब मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सक्सेस गुरु ने इसी कारण इस चैनल को लॉन्च भी किया है कि वैसे विद्यार्थी जिनकी पहुँच सीधे तौर पर एकेडमी में नहीं हो पा रही, सीधे तौर पर वो एकेडमी के विद्यार्थी नहीं बन पा रहे हैं, तो वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, हमारे यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ें, जानकारी लें, तैयारी करें और अपने ड्रीम को पूरा करें। ओके सर, थैंक यू। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करते, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।